वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज हम पापड़ की सब्जी बनाएंगे। इसके लिए मैंने ये सबसे पहले ये कढ़ाई गैस पे रख के ये थोड़ा सा तेल डालेंगे हम इसमें। ये तेल हमारा गर्म हो गया है, इसमें ये जीरा डाल लेंगे। और बिल्कुल थोड़ी सी ये सौंफ डालेंगे, ये थोड़ा सा हींग भी डाल लेंगे। ये जीरा और सौंफ थोड़ा सा भुन गया है, अब इसमें हम ये आधे चम्मच के करीब बेसन डालेंगे। बेसन से सब्जी बहुत अच्छा फ्लेवर देता है बेसन, और सब्जी को गाढ़ा भी करता है। बेसन अच्छा से भुन जाना चाहिए, कच्चा नहीं रहना चाहिए ये बिल्कुल भी, नहीं तो कच्चा टेस्ट आता है इसमें। ये हल्का सा देखिए ब्राउन हो गया है। थोड़ी सी ये कुटी हुई अदरक ली है मैंने, और थोड़ी एक हरी मिर्च है। आप और ज्यादा स्पाइसी चाहते हैं तो और हरी मिर्च ले सकते हैं। इसको भी हल्का सा भूनने देंगे। ये पापड़ की बहुत ही सिंपल सी सब्जी है, आप चाहें तो इसमें टमाटर और प्याज भी डाल सकते हैं, लेकिन हम इसको दही में बनाएंगे, और दही और बेसन का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। इसमें थोड़े से हम सूखे मसाले डालेंगे। क्योंकि पापड़ में भी थोड़ा सा नमक होता है, इसलिए नमक जो है थोड़ा सा कम ही रखेंगे, बाकी आप अपने टेस्ट के हिसाब से रख सकते हैं। थोड़ा सा मैंने नमक लिया है, थोड़ा सा ये पिसा हुआ धनिया है, धनिया पाउडर, ये थोड़ी सी हल्दी, ये थोड़ी सी लाल मिर्च डालेंगे। ये बिल्कुल थोड़ी सी मैंने कश्मीरी लाल मिर्च या देगी मिर्च ली है। भूनेंगे इन सारे मसालों को बहुत अच्छे से। गैस को एक दो मिनट के लिए बंद करके हम इसमें दही ऐड करेंगे, और जब हम दही ऐड करेंगे तो इसको चलाते रहेंगे, नहीं तो दही जो है वो फट जाती है अक्सर जब हम सब्जियों में दही डालते हैं। ये हम फेटी हुई दही ली है मैंने, ये आधी कटोरी दही है। अच्छे से चलाएंगे इसको, बिल्कुल थोड़ा सा इसमें अभी पानी ऐड करेंगे। सब्जी ने देखिए घी छोड़ना शुरू कर दिया है, और दो मिनट और भूनेंगे इसको, और लगातार चलाते हुए भूनेंगे, और गैस को भी सिम रखेंगे। अब हम इसमें ये एक कटोरी पानी डाल देंगे और इसको पकने देंगे। गैस को तेज कर देंगे। देखिए बड़ा अच्छा रंग आया है हमारी सब्जी में, इसको बस एक उबाल आने देंगे। मैंने ये एक पापड़ लिया है, आप चाहें तो इसमें कच्चा पापड़ भी ले सकती हैं, और पापड़ कोई भी ले लें, चाहे मूंग दाल का ले लें, चाहे उड़द दाल का ले लें, और इसके छोटे टुकड़े पीसेस कर लेंगे हम। सब्जी में ही देखिए उबाल आ गया, बड़ा अच्छा उबल गई है अच्छे से ये। इसमें अब हम ये पापड़ डाल देंगे, और पापड़ डालने के बाद भी हम इसको दो मिनट और बॉईल होने देंगे। इसको बहुत ज्यादा गाढ़ी नहीं करेंगे पापड़ डालने के बाद, क्योंकि अपने आप रखी रखी भी थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी, पापड़ पानी सोख लेंगे और सॉफ्ट हो जाएंगे। ये पापड़ की सब्जी बिल्कुल रेडी है। गैस को मैं बंद कर देती हूँ। थोड़ी सी कसूरी मेथी और हरे धनिए के साथ गार्निश कर लें इसको। अब हम इसको किसी सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। इसको पूरी, परांठे या रोटी किसी के साथ भी सर्व करें। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।